हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद संगीता। दोस्तों, केक खाना तो हर किसी को पसंद आता है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट केक बनाने के बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसे फॉलो करके आप इसे अपने घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक्स के बटन को दबाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है हमने, यह करीब 200 ग्राम मैदा है, और यह 1 कप पाउडर शुगर है, यह करीब 100 ग्राम है, और ये लिया है मैंने आधा कटोरी दही, नॉर्मल दही है घर का बना हुआ, और ये दूध है, और ये 1/4 कप ऑयल है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। अब इन सबको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पाउडर शुगर और दही को मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार से अगर केक बनाते हैं तो आपका केक कभी भी फेल नहीं होगा और बहुत ही स्पॉन्जी केक बनेगा। ये हमारा जो दही और चीनी है अच्छे से फिट चुका है। अब इसमें हम लोग मैदा डाल देते हैं। सारे चीज़ जो हमने यहाँ पर लिया है सबको एक साथ डालकर और मिक्स कर लेंगे। दूध आप उतना ही डालें जितना में आपके बैटर की कंसिस्टेंसी थिक रहे, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इस ऑयल को इसमें ऐड कर देते हैं, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा है, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा केक स्पॉन्जी बनेगा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की मात्रा सही लेना है। अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए चॉकलेट पाउडर डाल देंगे, तो 2 चम्मच हमने यहाँ कोको पाउडर डाला है, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सारा चीज़ हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम लोग एक कंटेनर में इसे डालेंगे, इस बैटर को। तो हमारा बैटर अब तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक राउंड शेप का मोड ले लिया है। आप इसमें अच्छी तरह से तेल लगा दें, तेल या बटर कुछ भी आप लगा सकते हैं, और इसमें ये एल्युमिनियम फॉइल या बटर पेपर इसमें अच्छे तरह से लगा दें। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल या बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये बैटर को डाल करके और इसे थोड़ा सा एयर निकल जाए इसलिए थोड़ा हिला लेंगे हम लोग। अब एक पैन को हमने गैस पर प्री हीट होने के लिए रखा था और ये हीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग केक को डालेंगे। पैन को प्री हीट करना ज़रूरी है, तब केक अच्छा से पकेगा, और 15 से 20 मिनट के बाद जब इसे चेक करेंगे तो ये हमारा केक बनकर तैयार है। अब ये अच्छी तरह से अंदर से पका है या नहीं इसे चेक कर लेते हैं एक टूथपिक की सहायता से। तो ये हमारा टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब केक पक चुका है। अब इसे हम लोग गैस से उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे डेकोरेट करेंगे हम लोग। तो इसका ये जो रफ भाग है केक का, इसे चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। इस तरह से इसे निकाल लेंगे। अब इस केक के 2 टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो इसके 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े कितने भी कर सकते हैं और इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके 2 टुकड़े कर रहे हैं। इस तरह से चारों तरफ से काट लेंगे और इसे एक धागे की सहायता से 2 भाग में कर लेंगे। इससे आसान होता है 2 भाग में करना। तो ये हमारा केक 2 भाग में बट चुका है। अब एक बॉल में थोड़ा सा हमने चॉकलेट लिया है, 1 चम्मच मिल्क क्रीम और थोड़ा सा बटर लिया है, और इसे डबल बॉयलर मेथड से अब मेल्ट करेंगे। तो एक पैन में हमने पानी गर्म कर लिया है और बॉल को उस पर रख कर और इस चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो यह हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है, अब इसे उतार लेंगे। और हम लोग एक बॉल में थोड़ा सा 2 चम्मच चीनी डाल के और थोड़ा पानी डाल करके शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा शुगर सिरप तैयार हो चुका है। अब ये हमारा व्हिपिंग क्रीम है, जिसे हमने 2 चम्मच कोको पाउडर और 2 चम्मच शुगर पाउडर डाल करके इसे व्हिप कर लिया है। अब
यहाँ पर एक बॉल के ऊपर इस तरह से चौकी को रख लेंगे और उस पर एक प्लेट रख लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगाकर उसके बाद केक को रखेंगे। इस तरह से क्रीम लगाने से हमारा जो केक है इस पर चिपका रहेगा और डेकोरेट करने में आसानी होगा। और इसके ऊपर अब शुगर सिरप इस तरह से चारों तरफ लगा लेंगे और अब क्रीम को लगाकर चारों तरफ से इसे स्प्रेड कर लेंगे अच्छे तरह से। इस केक को आप बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं, बस आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है और यह केक कभी भी फेल नहीं होगा। आप भी बहुत आसानी से इसे अपने घर पर बना सकते हैं। अब दूसरा पीस इसके ऊपर रखकर इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगा लेंगे और इसके ऊपर भी क्रीम इस तरह से लगाकर डेकोरेट कर लेंगे। चारों तरफ अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। एक एक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम चॉकलेटी फ्लेवर, और बच्चों को यह केक बहुत पसंद आता है। जब चाहे इसे बना सकते हैं, बहुत कम टाइम में बन जाता है और बहुत आसानी से यह बन जाता है। अब इसके ऊपर हम लोग जो मेल्ट करके चॉकलेट रखे हैं उसे इस पर डाल करके चारों तरफ फैला लेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ इस चॉकलेट को फैला लेना है। चॉकलेट सिरप डालने के बाद हमारा ये केक बहुत ही चॉकलेटी और यम्मी लग रहा है। यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। तो आप भी इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से हमने इसमें चारों तरफ से चॉकलेट लगा दिया है। अब इसमें चॉकलेट का स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा, ताकि ये खाने में और भी टेस्टी और यम्मी लगे। तो ये हमारा केक बनकर तैयार है। अब इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये चॉकलेट इसका जो है अच्छे से जम जाए। तो दोस्तों, आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करें। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।